ऐसा नहीं लगता कभी कभी जिंदगी कहती है यार थोड़ा सा आराम कर ले, है ना? तो जब कभी कुछ नहीं करने का मन करे तो सचमुच आराम कर लेना चाहिए और थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा थकावट से रेस्ट लंबा भी हो सकता है। इसलिए अगर समय पर थोड़ा थोड़ा रेस्ट लिया जाए तो वो रेस्ट बेनिफिशियल होता है और उससे हम अपने काम को और अच्छे से कर सकते हैं रिफ्रेश होके। हेलो हाय नमस्ते और पहलागु उत्तराखंड। यार कई बार ना हम दौड़ में मतलब ऐसे शामिल हुए रहते हैं, दे भागम भाग लगे रहते हैं, कंटिन्यू वर्क 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 एंड वर्क, और रेस्ट लेना ही भूल जाते हैं, है ना? ऐसा भी होता है और अक्सर होता है। अब ये मत बोलना कि नहीं होता है, सभी के साथ होता है। लेकिन जब आपकी बॉडी यानी कि आपको लगे कि आज कुछ नहीं करने का मन है तो कुछ मत करो उस दिन। कुछ मत करो मतलब जस्ट चिल आउट, डू नथिंग, ठीक है? कुछ नहीं करना है, टेक रेस्ट, आराम कीजिए। क्योंकि जब आराम करने के बाद में आप दोबारा आएंगे ना काम करने के लिए, तब आप यकीन मानिए और भी अच्छा काम करेंगे। और क्योंकि आप तब रिफ्रेश होके आते हैं, अब तब आप एक नई उमंग के साथ आओगे तो आप और भी जबरदस्त काम करोगे और बढ़िया काम होगा। इसलिए क्या है, जब भी मन करे आपका कि आज तो कुछ नहीं करना है, तो उस दिन एक ही काम कर लेना, बस आराम कर लेना थोड़ा सा। और आराम करके जब वापस आओ तो फिर डबल एनर्जी के साथ आना, और डबल एनर्जी के बाद में बैंग ऑन काम पे अपने कंसंट्रेट करके और जबरदस्त तरीके से फिर से अपने काम में लग जाना, जुट जाना, बल्कि मैं तो यूं कहूँगा जुट जाना, है ना? इतनी जबरदस्त तरीके से काम करना कि जो मेहनत है वो भी कहे यार किससे पाला पड़ गया मेरा। लेकिन जब आपकी बॉडी कहे या जब आपको लगे कुछ नहीं करना है तो यकीन मानो कुछ मत करना उस टाइम में, रेस्ट कर लेना थोड़ा सा और उसके बाद फिर से वापस आ जाना। फिर आपसे मुलाकात होती है, हम भी तब तक कुछ रेस्ट कर लेते हैं।